दिल्ली में राजस्थानी थाली के और राजस्थान में दिल्ली वाली थाली के आजकल बड़े चर्चे। खाना तो सब चाहते हैं लेकिन ऑर्डर अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। इससे तो अच्छा नवरात्रि में 9 दिन का उपवास रख लेते। पार्टी के आशीर्वाद का तो पता नहीं, माता रानी जरूर प्रसन्न हो जाती। जय माता दी। राजस्थान में सियासी संकट गहरा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट के विधायकों ने इस्तीफे का कार्ड तो चल दिया है, तो वहीं संकट को संभालने में खुद गहलोत ने भी हाथ खड़े कर दिए। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच अब नई दिल्ली में भी हलचल बढ़ गई है। राजस्थान संकट को लेकर अब खुद सोनिया गांधी एक्टिव मोड में है। इसे लेकर सोमवार शाम दिल्ली के 10 जनपद में बैठक हुई, सोनिया गांधी के आवास पर चली। इस बैठक में अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। पहले हम समझते हैं कि पूरा क्या हुआ आज इस दिन भर में इस राजस्थान के सियासी संकट पर। द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा जो है राजस्थान का, उसमें आज जो दिन भर बात हुई, राजस्थान से कांग्रेस के पर्यवेक्षक दिल्ली लौटे। कल वो दिन भर वहां पर राजस्थान में एक्सरसाइज कर रहे थे, जयपुर में एक्सरसाइज कर रहे थे। अजय माकन ने अशोक गहलोत से मुलाकात नहीं की। पहले ये चर्चा हो रही थी कि उनकी मुलाकात उनके साथ होगी, वो प्रभारी हैं राजस्थान के। गहलोत गुट के विधायकों ने अनुशासनहीनता की ऐसा माना जा रहा है, ऐसी बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश के जो नेता हैं कमलनाथ, उनको भी अभी बुलाया गया है दिल्ली में, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होनी है। केसी वेणुगोपाल को भी दिल्ली बुलाया गया है, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। दोनों ऑब्जर्वर्स ने सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे से अशोक गहलोत की मुलाकात हुई, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुलाकात की है। राजस्थान कांग्रेस में जारी इस सियासी महासमर पर हमने जब राजस्थान के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी जी से बात की तो उनका क्या कहना था वो हम सुन लेते हैं। आज दिन में मैंने उनसे बात की। क्या चल रहा है राजस्थान में कांग्रेस में, आप बैठे हुए हैं उसके बाद भी संकट चल रहा है? राजस्थान में कांग्रेस में कोई संकट नहीं है जी। कुछ परिस्थितियां बनी है, हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हाईकमान के जो ऑब्जर्वर्स आए उनको निवेदन किया है। हाईकमान के निर्देशों की पालना जी राजस्थान के कांग्रेस जन हमेशा करते रहे हैं, आगे भी हाईकमान के आदेशों की जो पालना है वो सुनिश्चित रहेगी। नहीं, जब हाईकमान के आदेशों की पालना की बात होती है तो उसका मतलब होता है कि जो मौजूदा लीडरशिप है उसकी बात नहीं मानी जा रही, इसीलिए बात हाईकमान तक पहुंचती है। तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है? क्या ये बात तय हो गई है कि जो मुख्यमंत्री साहब हैं अशोक गहलोत साहब, वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कौन लड़े यह हाईकमान को तय करना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन रहे यह हाईकमान को तय करना है। हमने कुल मिलाकर एक बात हाईकमान तक पहुंचाने की कोशिश की है ऑब्जर्वर्स के माध्यम से जी, कि 2 साल पहले जो बगावत कांग्रेस में हुई थी जी, उसमें जो लोग शामिल थे, जिन्होंने कांग्रेस सरकार को अल्पमत में बताया, जिन्होंने कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश की, कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की, उनमें से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री न बनाया जाए। हाईकमान इसके अलावा जो चाहे उसको मुख्यमंत्री बनाए, और हमने ये बात ऑब्जर्वर से कही और ये कहा कि आप हमारी बात हाईकमान तक पहुंचा दीजिए जी, हाईकमान जो फैसला लेगा हमें मंजूर होगा। आज तक हाईकमान की भी परंपरा रही है कि हाईकमान ने कभी भी जहाँ का निर्णय किया होगा वहाँ के विधायकों के, वहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना का अनुरूप किया होगा, और राजस्थान की भी परंपरा रही है कि हाईकमान का जो भी अंतिम आदेश हुआ है उस आदेश को राजस्थान के कांग्रेस जनों ने, चाहे वो विधायक हों या आम कार्यकर्ता हों, उन्होंने उसको हमेशा माना, शिरोधार्य किया है जी। महेश जोशी जी जो हैं राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से, और पिछले 30-35 साल से 40 साल से यूनिवर्सिटी की पूरी लीडरशिप और स्टूडेंट यूनियन के बाद से लगातार लगे हुए हैं, और जब वो कह रहे हैं कि बगावत के गुट जो लोग कर रहे थे उनको शामिल नहीं किया जाए, थोड़ा साफ साफ समझाइए ना। महेश जोशी जी जैसे लीडर के सामने रखकर मेरे को है ना ऐसी छोटी बातें समझ नहीं आती, मुझे समझाइए। क्या ये विरोध सचिन पायलट को लेकर है? क्योंकि मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर रहती है, तो कांग्रेस का जो गुट बगावती गुट रहा उसका मतलब है कि सचिन पायलट गुट को या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं है? न तो मुझे आपकी समझ पे कोई शक है, न आपकी याददाश्त पे शक है,
और नहीं मेरे को दर्शकों की किसी याददाश्त समझ पे शक है। मैंने जो कहा उसमें सारी बातें छुपी हुई हैं और उसमें सारी बातें स्पष्ट भी हैं, इसलिए आप जो कह रहे हैं मैं उसके बावजूद इसी बात को दोहराना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि जो कांग्रेस की परंपरा है, कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस हाईकमान के प्रति निष्ठा रखने वालों को हमेशा नवाजा जाता है, ये परंपरा जारी रहनी चाहिए। इसको मैं ठीक से समझाऊं तो मतलब कि सचिन पायलट के खिलाफ है पूरे ज्यादातर कांग्रेसी वहां पर, कि सचिन पायलट को नहीं बनाया जाए क्योंकि वो बगावत की लीडरशिप कर रहे थे, और आप उसके अलावा किसी भी नाम के लिए तैयार हैं। आपकी रेंज जो है वो बहुत छोटी है। अच्छा, आप एक नाम की आपकी रेंज है, मैं ये कह रहा हूँ जो भी ऐसा व्यक्ति है जी वहां तक मेरी रेंज है। अच्छा, मतलब जितने लोग बगावत में शामिल थे, ये ज्यादा स्पष्ट आपने बात की है। तो अब जो लोग बगावत में शामिल नहीं है, ये बात का आपने थोड़ा कंफर्म नहीं किया कि क्या विधायकों ने इस्तीफा देने की पेशकश की या विधायकों ने इस्तीफा दिया गहलोत साहब के समर्थन में? किसी के समर्थन में इस्तीफा नहीं होता, देखिए सुनिए जी, इस्तीफा हमने किसी के समर्थन में दिया ना किसी के खिलाफ दिया। इस्तीफे सीपी जोशी साहब को लोगों ने, हम लोगों ने दिए हैं, किसी के पक्ष में किसी के समर्थन में नहीं, अनकंडीशनल। कितने विधायकों ने इस्तीफे दिए सर? ये पूरी संख्या गिनती, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ गए थे, कुछ सीधे पहुंच गए थे, सारे तो गिनती सीपी जोशी साहब बता सकते। अच्छा, एक चीज समझा, लेकिन बड़ी संख्या है, ये कह सकते। ठीक है, बड़ी संख्या है। क्या अशोक गहलोत जी दोनों में से यदि एक चॉइस हो तो वो सीएम बनने रहना चाहते हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं? अशोक गहलोत जी, जब विधायकों के बागी होने की खबर कांग्रेस हाईकमान को मिली तो हाईकमान ने अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को विधायकों से बात करने भेजा, लेकिन गहलोत समर्थकों में उनके सामने ही अपनी शर्तें रख दी, जिसके बाद उन्हें खाली हाथ दिल्ली लौटना पड़ा। दिल्ली लौटे अजय माकन ने पार्टी हाईकमान को सारे हालात की जानकारी दी, क्या कुछ कहा ये भी सुन लेते हैं। एक शर्त उसके अंदर ये था कि कोई भी निर्णय, जो भी रेजोल्यूशन होगा, उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होगा, होना चाहिए, और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो उस पे हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे, तो ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है? दूसरा, उन्होंने ये कहा कि सब हर विधायक से आप अलग अलग नहीं मिलिए बल्कि आप ग्रुप में मिलिए, समूह में मिलिए। इस पे हमारा ये कहना था कि कभी भी ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है कि विधायक दल की मीटिंग के अंदर समूह में बात करी जाए, सब विधायकों से अलग अलग बात करी जाती है ताकि सब लोग फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी बात को कह सके, कभी भी ग्रुप में बात नहीं होती। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जो 102 लॉयल जो विधायक अशोक गहलोत जी के खेमे में हैं, उन्हीं में से बनाया जाना चाहिए, जो लोग उस वक्त दो साल पहले अशोक गहलोत जी के साथ में थे। हमने 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 सारी की सारी बातें कांग्रेस अध्यक्षा को बताया है। जैसे मैंने सुबह भी कहा कि जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक जब करी जाती है, जब कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक रखी जाती है, तो उसके पैरेलल कोई भी और विधायक दल की बैठक के पैरेलल कोई भी और विधायकों की अगर मीटिंग बुलाई जाए तो वो प्राथमिक दृष्टि से इनडिसिप्लिन है, वो प्राथमिक दृष्टि से अनुशासन विरोधी है। तो ये मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी मैंने कहा, और ये बात हमने कांग्रेस अध्यक्षा को रखा है, और वो रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्ष को हम लोग लिखित में रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक दे देंगे। ये आप सुन रहे थे अजय माकन साहब को, जो प्रभारी भी हैं और उन्होंने पूरी रिपोर्ट अपनी सौंप दी है। 2018 और 2020 की तरह राजस्थान में कांग्रेस दो गुटों में बटी नजर आ रही है, चाहे खुद अशोक गहलोत हों और पायलट कुछ नहीं बोल रहे हों, लेकिन उनके समर्थित विधायक आलाकमान को चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक विधायक, कल भी एक था आज भी एक है, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के आह्वान पर खून बहा देंगे सड़कों पर जब वो आवाज देंगे, लेकिन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में
अचानक एमएलए को पता चलता है मीटिंग हो गई, कोई अफवाह फैलती है, तो क्लियर कर दीजिए, परिवार का मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन बीजेपी जो षड्यंत्र कर रही है सरकार गिराने का, उस षड्यंत्र से बचाने के लिए यदि एमएलए इकट्ठे होकर कोई बात कह रहे हैं तो वो बात सुनी जानी चाहिए। बजे तय हुआ, चीफ व्हिप ने बुलाया, आला कमान का फैसला था, ऑब्जर्वर्स को आना था, सब लोग मांगे, फिर इसके बावजूद मुख्यमंत्री का भी निवास है, मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता हैं, ये सब कुछ होने के बाद में ये दूसरी मीटिंग कैसे हुई है, उसमें नहीं आती क्या बगावत है? ये बगावत तो नहीं आती है, ये तो आप भी तय कर लोगे और आला कमान तय कर देगा। तो क्या मानते हैं गहलोत ने बगावत कर दी है? आप नहीं समझे बात को, इसके बाद में आप एक बात में से बात मत निकालो, बगावत कर दिया ना, सब दुनिया जानती है बगावत नहीं तो क्या है ये। एक और जहां गहलोत समर्थक कह रहे हैं कि 70 विधायकों ने पायलट के खिलाफ इस्तीफा दिया है, लेकिन जब पार्टी हाईकमान एक्शन में आई तो उन्हीं में से कई के सुर बदल गए और कह रहे हैं कि उन्हें मीटिंग की कोई जानकारी नहीं थी और ना ही उस कागज की जिस पर साइन लिए गए। अब वो कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान का जो भी फैसला होगा उन्हें मंजूर है। जब ये बात आएगी और पूछेंगे तो बता देंगे, बट मेरा निर्णय उस वक्त भी ये होगा कि आला कमान जो निर्णय करे वो सर्वमान्य और मुझे मान्य है। लेकिन अब जब हम हमारी अपनी व्यक्तिगत राय रखते हैं तो इसका मतलब हम आला कमान को डिफाई कर रहे हैं? दोनों बात नहीं हो सकती कि हम आला कमान जो कहें वो भी मान लें और अपनी व्यक्तिगत राय भी दे दें। इसलिए मैं पहले भी एक लाइन का प्रस्ताव जो 98 में पारित हुआ था कि आला कमान जो निर्णय लेगा उस पर हम मुस्तैदी से खड़े हैं, मैं उसी 98 के झंडे को लेकर आज खड़ा हूं। सबने साइन कर चुके थे, सब स्वेच्छा से या साइन करवाया जा? नहीं, सब साइन कर चुके थे, मुझे नहीं पता था कि वो सारे स्वेच्छा से किया बिना उसके किया। मैं जब गई थी तो उन्होंने सबने कहा कि सबने इस पे साइन कर दिया, आप भी कर दो। मैंने कहा भाई तुम लोग जहाँ हो तो सारे ही एक जगह हो तो हम भी कर देते हैं। नहीं, समर्थन वाली बात देखो, अगर पार्टी अशोक गहलोत जी को सीएम रखना चाहे तो हमारी कोई नाराजी नहीं, अगर पार्टी पायलट साहब को सीएम बनाना चाहे तो हमारी बिल्कुल नाराजी नहीं। नहीं, मतलब गहलोत साहब का पक्ष में तो नहीं दिखाया, बस लिखा नहीं लिखा मेरे को ध्यान नहीं, मैं तो लेट गई थी, पर मैं तो आखा जा पार्टी के साथ रहेंगे, सोनिया जी के साथ रहेंगे, रावल जी के साथ रहेंगे, और जो हाई कमान फैसला करेगा उनके साथ रहेंगे। वक्त के साथ बदलना राजनीति की सबसे खास बात है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम से अशोक गहलोत की छवि भी प्रभावित हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गहलोत का नामांकन और नए मुख्यमंत्री के पद पर चयन के प्रोसेस पर संशय बन गया है। कांग्रेस का टकराव अब लंबा खिंचने के आसार है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बगावत के बाद भी अशोक गहलोत अध्यक्ष बन पाएंगे? क्या गहलोत गुट आला कमान के आगे झुकेगा? और या फिर क्या तीसरे नाम पर कांग्रेस की सहमति बनेगी? इस सब मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, राजनीतिक विशेषज्ञ डेनियल फ्रांसिस साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामलाल शर्मा साहब जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मेरे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज एडिटर हमारे आशिफ इकबाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रामलाल शर्मा साहब, आपसे थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, थोड़ा इंतजार ज्यादा हो गया। इंतजार तो आपका ज्यादा वैसे भी हो गया, 2 साल से आप सोच रहे हैं ये सरकार कब गिरेगी कब गिरेगी, ये अंगूर जो है अभी तक मीठे हुए नहीं। आप अनम्यूट कर लें सर अपने आप को, म्यूट हैं आप। रामलाल जी, आपकी आवाज जी, रामलाल जी की आवाज नहीं मिल पा रही है, एक बार देखिएगा। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी आशिफ इकबाल साहब के पास जाना चाहता हूँ। आशिफ साहब, ऐसे जर्नलिस्ट तो बहुत सारे होते हैं जो पार्टीज की खबर रखते हैं, लेकिन ऐसे जर्नलिस्ट कम होते हैं जो अंदर की खबर रखते हैं, इसलिए मैंने आसिफ साहब को थोड़ी तकलीफ दी। आसिफ साहब, क्या है अंदर की खबर? सर, अंदर की खबर यह है कि आप राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य है कांग्रेस का जहां बहुत सारे उठापटक उसी समय से हो रहे हैं जब से ये दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को साथ लेकर राहुल गांधी ने फोटो खिंचवाई थी। आपको याद होगी वो तस्वीर, आज इसलिए परबस ही याद आ जाती है कि राहुल गांधी ने कितनी मशक्कत के बाद, क्योंकि याद है उस दिन मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी 7.5 घंटे की मैराथन बैठक चली थी और उस वक्त हम
12 तुगलक लेन के बाहर खड़े थे कि इस इंतजार में कि कब कौन आगे होगा, कब कौन पीछे होगा। उस तस्वीर के बाद भी बरपस चीज़ें वैसे ही बनी रही, जब एक तरफ अशोक गहलोत और एक तरफ सचिन पायलट खड़ा कराकर मुस्कुराते हुए एक फोटो रिलीज कर दिया गया और कहा गया कि ये मुख्यमंत्री होंगे और ये उप मुख्यमंत्री होंगे। नाम नहीं बताया गया था, नाम बाद में बताया गया कि ये राइट साइड वाले जो है वो मुख्यमंत्री होंगे और लेफ्ट साइड वाले जो है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद आप सोचिए कि वहां पे अविनाश पांडे जी को बनाया गया प्रभारी और उनको भेज दिया जाता है। अविनाश पांडे जी वहाँ 2.5 साल तक अपनी तमाम जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन 2.5 साल के बाद उन पर तमाम तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं वही अशोक गहलोत के गुट के तमाम विधायकों के जरिए कि ये लोग, ये जो महासचिव हैं वो सचिन पायलट के साथ मिले हुए थे, इसलिए 18 विधायक उनके मुखालफत करते नजर आए। उसके बाद उन पर आनन फानन में राहुल गांधी ने उनको हटाकर अपने सबसे विश्वस्त, सबसे नजदीकी और सबसे कद्दावर माने जाने वाले, दिल्ली के शीला दीक्षित के बाद नेता माने जाने वाले अजय माकन को वो जिम्मेदारी दे दी। अजय माकन के गए हुए 1 साल होने को है। बहुत दिलचस्प है बताऊं आपको विजय जी कि उनको 17 अगस्त को ही 1 साल पूरे हुए और उसके बाद से ही परेशानियां शुरू हो गई। अब ये आरोप जिस तरीके से खुल के आरोप लगाए जा रहे हैं अशोक गहलोत के तमाम विधायकों के जरिए कि इस तमाम कॉन्स्पिरेसी में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो अजय माकन का है। दूसरी तरफ जो धारीवाल, जो कल तक विधायक जो थे जिन्होंने मीटिंग में सबसे बड़ी तमाम लोगों को एकजुट किया, सब कुछ किया, अभी उन्होंने एक शेर व शायरी दर्ज की है, वो बहुत जल्दी हम लोग भी अपने तमाम दर्शकों को दिखाएंगे कि अंजामे वही होगा जो अंजामे सोनिया गांधी होंगी। मतलब साफ है कि उनका ये कहना था कि जो आलाकमान कहेगा वही हम मानेंगे। जब तक कल तक धारीवाल जी ये बात सुनने को तैयार नहीं थे, मानने को तैयार नहीं थे, आज भी जिस तरीके से तमाम घटनाक्रम बीती है वो कहीं ना कहीं से, क्योंकि विजय जी अब सवाल जो है ना वो आलाकमान को भी अपनी सिद्धि साबित करने का है कि आलाकमान ये सिद्धि साबित करे कि वो सच में आलाकमान है और जिस तरीके से वो निर्णय लेता है उस निर्णय को माना जाएगा। क्योंकि याद कीजिए कि 2004 से 2010 तक सोनिया गांधी के आलाकमान का जो फॉर्म था उसका टेरर सभी ने जाना है, देखा है, समझा है। अभी कहीं ना कहीं से 2 राज्यों की सीमित गई है पार्टी, 2 राज्यों तक है और उसमें कहीं ना कहीं से ये इफेक्ट जरूर पड़ा है। अभी मैं आपको बताऊं कि अभी भी लगातार बैठकों का दौर है, तमाम चीजें हो रही हैं, अंदर खाने मान मनोवल का दौर शुरू हो गया, कमलनाथ जी को आनंद फानन बुलाया गया है, देखना होगा कि वो मना पाते हैं या फिर दोनों रास्ते ठीक है। तो इस पर क्या मना पाते हैं या नहीं होता या क्या रास्ता होगा, इस पर चर्चा फिर से शुरू करेंगे। डैनियल साहब के पास भी आऊं, लेकिन रामलाल जी आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मैं समझना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो ये आपका गुच्छा, अंगूर का जो गुच्छा है वो टूटेगा तो आप तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, या अभी सचिन पायलट, शांति धारीवाल, सीपी जोशी साहब, बीडी कल्ला साहब यही लोग उसमें लूटपाट करेंगे। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब 2018 के चुनाव हुए थे उस समय भारतीय जनता पार्टी के 73 विधायक चुनाव जीत के आए थे जी। और 73 विधायकों से सरकार बनने वाली नहीं है जी। और 73 विधायकों के प्रयास से सरकार कांग्रेस की गिरने वाली भी नहीं है जी। 2018 से ही अंतर्द्वंद वर्चस्व की लड़ाई, प्रतिष्ठा की लड़ाई, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम चल रहा है। इसलिए कांग्रेस की अंदरूनी झगड़ों को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ना ये अनुचित है। 2018, 2020 और अब 2022 के अंदर, अब 2022 के अंदर राजस्थान की जनता पूछ रही है कि अब पहले तो आप ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार को अस्थिर करने का काम कर रही है, लेकिन अब अस्थिर कौन कर रहा है? तो इनके आपस के झगड़े, आपस की लड़ाई, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर आलाकमान के प्रति लोगों में अब डर नहीं रहा, अनुशासनहीनता इनकी बढ़ती जा रही है, इनका कहना कोई मान नहीं रहा, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, निकम्मा और नकारा शब्द राजनीति के अंदर प्रयोग लेने लगे, तो अब राजस्थान की जनता परेशान हो चुकी है। जो वादे इन्होंने किए थे, चाहे वो 2018 के चुनाव के अंदर हो, चाहे सार्वजनिक सभाओं के दौरान घोषणाएं हो, और चाहे 4 बजट राजस्थान की सरकार पेश कर चुकी है, इन 4 बजट को धरातल के ऊपर उतारने का काम भी नहीं हुआ। हम तो ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रतिपक्ष की भूमिका में है और विपक्ष की भूमिका बखूबी निभा रही है जी। नहीं, वो तो ठीक निभा रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, ये आप तो मेहमान नवाजी में बहुत माहिर आदमी हैं, आपने हरियाणा की थाली बहुत खिलाई, हरियाणा में भी राजस्थान की थाली खिलाई कांग्रेस के बहुत सारे MLA को पिछले बार, जो आसिफ साहब जिसका जिक्र कर रहे थे, तो अब उसका कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या अब कौन सी नई मेहमान नवाजी की कोई जगह आपने देखी है वो समझाइए ना सर मुझे। आप विपक्ष की भूमिका तो अच्छे से निभाते ही हैं। जितनी भी थालियां थी जी, वो अपने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने की थालियां थी जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, इन हालातों के ऊपर जो राजस्थान के
गांधी कहे जाने वाले व्यक्ति, अनुशासित कहे जाने वाले व्यक्ति, आलाकमान के प्रति समर्पित व्यक्ति, अब उनका चरित्र भी राजस्थान नहीं, पूरे देश की जनता देख रही है। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप अपने झगड़ों में, आप अपनी लड़ाई में कम से कम राजस्थान की जनता का हित करने का काम भी करें। जो समस्याएं हैं राजस्थान के अंदर, पूरे देश में राजस्थान पहले नंबर पे पहुंच चुका है क्राइम के अंदर, महिला उत्पीड़न के अंदर, बालिकाओं की दरिंदगी के ऊपर। तो हम तो ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे, सरकार डेवलपमेंट के वर्ग जो वादे किए थे वो पूरा करने का काम करे। ठीक है, डैनियल फ्रांसिस साहब जो हैं कांग्रेस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, अंदर से समझते हैं। सर मुझे समझाइए, अभी ये झगड़ा चीफ मिनिस्टर का हो रहा है या ये झगड़ा अध्यक्ष के पद तक भी पहुंच गया कि अशोक गहलोत साहब अध्यक्ष बनेंगे कि नहीं बनेंगे या चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्या हो रहा है ये? एक समस्या का समाधान ढूंढते ढूंढते जी कांग्रेस ने दूसरी समस्या खड़ी कर ली जी। लेकिन मुझे एको आ रहा है तो ये ठीक हो जाए तो ठीक। अच्छा, लेकिन पीसीआर जो जी पीसीआर चेक कीजिए फ्रांसिस साहब को फिर हम। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अब ऐसा लग रहा है अब 24 घंटे के बाद ऐसा लग रहा है कि एक प्रयास था कि अशोक गहलोत को सीएम से हटाए लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ना बनाए। इससे 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 एक बात साफ हो गई कि अशोक गहलोत अब कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। जिस तरह के उन्होंने जो कांग्रेस आलाकमान को लाल आंख दिखाई है तो ये होना बहुत ही आवाज आ रहा है मुझे कुछ। ठीक है, आपके पास दोबारा मैं आता हूँ फ्रांसिस साहब। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक पर जाएं। इससे पहले बात आज के सवाल की, हमारा आज का सवाल है कि क्या राजस्थान में गुटबाजी से कांग्रेस को नुकसान होगा? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारे खास मेहमान आपको कांग्रेस की अंदर की गुटबाजी की एक एक परत खोलकर बताएंगे। तुरंत लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस में चल रही उठापटक का, अध्यक्ष को लेकर, राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, रामलाल शर्मा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, डैनियल फ्रांसिस साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशु इकबाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, आपसे समझना चाहता हूँ ये कांग्रेस का घालमेल तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन किसके साथ है, पायलट किसके साथ है, पायलट के विधायक किसके साथ हैं, गहलोत के साथ कौन है, धारीवाल साहब के साथ। आप समझाइए भारतीय जनता पार्टी किसके साथ है, पायलट के साथ है, अशोक गहलोत के साथ है, या यहाँ पर भी वही हाल है कि वसुंधरा जी अशोक गहलोत के साथ हैं, रामलाल जी पायलट के साथ हैं, क्या है? थोड़ा सा समझाइए मुझे, कम से कम बीजेपी तो समझ में आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के साथ है, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जनता के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस के अशोक गहलोत के साथ है और ना कांग्रेस के सचिन पायलट के साथ है। हम प्रतिपक्ष की भूमिका में और उस भूमिका को हम पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ निभाने का काम कर रहे हैं। अब रही बात ये कि राजस्थान में क्या है कि पूरे देश के अंदर एक स्थिति बननी थी और स्थिति ये बननी थी कि हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सजा। जी। जो हकदार है, जिसने मेहनत और परिश्रम किया है, उसको तोहफा मिलना चाहिए। ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। जब आप दूल्हा किसी को बना के भेजोगे और आप शादी किसी दूसरे से कर दोगे तो बर्दाश्त कैसे होगा? यही स्थिति राजस्थान के अंदर कांग्रेस के साथ हुई है। राजस्थान के चुनावी समर के अंदर दूल्हा थे सचिन पायलट, जिन्होंने मेहनत और परिश्रम करके और सत्ता को इतनी करीब लाने का काम किया। लेकिन जब ताजपोशी की बात आई तो ताजपोशी के की दूसरे के साथ जी। ये वेदना और ये दर्द और ये पीड़ा कांग्रेस के अंदरूनी 2018 से चली आ रही है। अब ये समय समय के ऊपर जो गुब्बार है वो बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकलता है तो दोषारोपण कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी को करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारा इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। नहीं, कांग्रेस के आरोप की बात छोड़िए, मैं तो ये तो जानता हूँ, समझता हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी हमेशा हकदार के साथ रहती है, गुनहगार के साथ तो नहीं रहती, ऐसा है ना? बिल्कुल, हम तो कहते हैं हकदार के साथ हैं, गुनहगार के साथ नहीं है। लेकिन हकदार भी वो व्यक्ति जो इस देश के लिए समर्पण का भाव रखे, इस देश के मिट्टी से प्रेम करने वाला हो। ये नहीं है व्यक्ति इस तरीके से राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए
कुछ भी करने के लिए तैयार हो। सर क्या नाराजगी है, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिया है और किस किस को, हेमंत बिस्वा शर्मा को लिया है और सचिन जी से क्या नाराजगी है? देखिए आपके तो दोस्त हैं वो। हमारी पार्टी के सिद्धांतों से, हमारी पार्टी की विचारधारा से कोई भी व्यक्ति अगर समर्थन रखेगा हमारे दरवाजे खुले हैं। वो तो आपके पास वॉशिंग मशीन है ना, आ जाएंगे समर्थन सिद्धांत में तो आ जाएंगे वो। सर आपके पास तो इतनी अच्छी वॉशिंग मशीन है, आ जाएंगे तो इधर समझ ही जाएंगे पार्टी को। जी हमारा किसी से कोई परहेज नहीं है, लेकिन आज राजस्थान की परिस्थितियां जो बनी हुई है, अब आप एक दूसरे को निकम्मा कह रहे हो, आप एक दूसरे को नकारा कह रहे हो, आप कह रहे हो कि राजनीति में नए नए आए हैं, अभी रगड़क लगी नहीं, रगड़क लगेगी तो सब समझ में आ जाएगा। तो ये रगड़क ही तो लग रही है ना। ठीक है आशिफ साहब, डेनियल फ्रांसिस साहब ने एक बात कही जो बड़ी बात है, और रामलाल जी ने तो कह ही दिया कि देखो ये वो हकदार के साथ हैं। बिल्कुल समझे, अब वो हकदार के साथ कहाँ तक जाएंगे वो अलग मुद्दा है, वो रामलाल जी से अलग से बात करेंगे तो उस पर समझेंगे बात कि क्या हो रहा है। लेकिन मुझे ये समझाइए कि जो फ्रांसिस साहब ने कहा कि अब अशोक गहलोत के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना मुश्किल हो गया है, क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, देखिए भैया जी, अब एक चीज़ बहुत बढ़िया था जो आप शर्मा जी के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो बड़ी हंसी आ रही थी ये सुनकर कि आप उनको लगातार वो चीज़ बताना चाह रहे थे जो वो नहीं समझ पा रहे थे, और उन्होंने जवाब दिया वो अलग ही था। मैं शर्मा साहब से समझना चाह रहा था आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि पिछली बार यही हुआ था, इसलिए मैं उसका संदर्भ बता रहा हूँ। पिछली बार इन लोगों ने, बीजेपी ने सचिन पायलट को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर दिया था जी। जिसका खामियाजा सचिन पायलट आज तक भोग रहे हैं जी। क्योंकि सचिन पायलट पर यह टैग लग गया कि वो बीजेपी के सपोर्ट की वजह से सारी चीजें कर रहे थे, उनकी तमाम नाराजगी को, तमाम विद्रोह को, तमाम विरोध को ये अमली जामा पहनाने में कामयाबी हासिल हो ली जादूगर को, कि जादूगर ने जादू दिखाया और बता दिया कांग्रेस आला कमान को कि देखिए सचिन पायलट तो पार्टी तोड़ रहे थे और मैंने पार्टी बचा ली है, तो मैं आपका सबसे बड़ा संकट मोचक हूं। लेकिन कहीं ना कहीं से इस बार संकट मोचक जो है वो संकट पैदा करने का काम कर गए जो उनके लिए नुकसानदेह हो गया। इसलिए आप देखिए जरा इंटरेस्टेड है कि पिछली बार वाली परिक्रमा को अगर आप माने तो सचिन पायलट का पूरा गुट बड़ा शांत हुआ पड़ा है, और सबसे एग्रेसिव जो है वो अशोक गहलोत का गुट नजर आ रहा है। इसलिए मैं आपको बताऊं, एक अभी इंटरनल एक खबर है कि सोनिया गांधी अशोक गहलोत की हरकतों से बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं और बहुत नाराज भी हैं। राहुल गांधी से अप्रोच किया गया था कि अशोक गहलोत से कुछ लोग बात कर ले, राहुल गांधी ने सिरे से खारिज कर दिया कि आप जो भी बात करना है वो सीधे आप सोनिया जी से बात कीजिए, मैं इस मामले में कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो मतलब साफ समझिए कहीं ना कहीं से गांधी परिवार जो है, जिसको आला कमान कहते हैं, वो नाराज हुआ पड़ा है इस वक्त अशोक गहलोत से, जिसकी नाराजगी जल्द दूर होती नहीं दिख रही है, जिससे अध्यक्ष बनने में उनकी तमाम बाधाएं खड़ी हो गई हैं जी। डेनियल फ्रांसिस साहब, आसिफ साहब भी वही बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, तो मुझे समझाइए दो चीजें हैं गहलोत साहब के पास, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका था, दूसरा मुख्यमंत्री की कुर्सी, क्या दोनों बच पाएंगे, क्या दोनों चले जाएंगे, या अशोक गहलोत अब मुख्यमंत्री रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे, क्या होगा? विजय जी, कांग्रेस के पास दो राज्य हैं जी, ओके, उनको बचा के रखना कांग्रेस की जिम्मेदारी है जी। दो राज्यों में दो मुख्यमंत्री है, अशोक गहलोत और बघेल, दोनों ने अच्छा काम किया है, दोनों राजनीतिक सूझबूझ रखते हैं, भूपेश बघेल और अच्छा काम करने के बाद ये फिर से एको आ रहा है, दोनों ने अच्छा काम किया है। लेकिन ऑपरेशन कमल अगर किसी ने फेल किया पूरे भारत में तो वो अशोक गहलोत साहब ने फेल किया। उनका क्रेडिट तो बनता है कि और एमएलएज 90-95 एमएलएज का उनको सपोर्ट प्राप्त है, क्या जरूरत थी कि उनको वहां से हटाकर कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जब उनकी इच्छा ही नहीं है जी। आपने राजस्थान को डिस्टेबलाइज कर दिया, आपके पास कोई एक क्रेडिबल आदमी नहीं है जो कांग्रेस का अध्यक्ष बन सके, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं, गांधी परिवार के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति साउथ में भारत जोड़ो कर रहा है, यहाँ पे सोनिया गांधी जी घर पर हैं, और पार्टी की हालत देखिए के सर, अभी तो कांग्रेस जोड़ने की मुश्किल हो रही है, भारत तो बाद में भी नहीं बन रहा है ना, एक ढंग का नेता जी, ढंग का नेता साथ में, आपके प्रॉब्लम क्या है? आपने भारत जोड़ो यात्रा फेल करा दी आज से, कल से भारत जोड़ो यात्रा पे कोई चर्चा नहीं हो रही है,
आपने अपना राष्ट्रीय इलेक्शन जो आप बोल रहे हैं, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, पूरा देश देख रहा था कि किस तरह कांग्रेस पार्टी एक गैर गांधी परिवार के आदमी को या औरत को चुनता है, वो भी फेल हो गया। और तीसरी बात है कि आप दो राज्यों में हैं, उधर अगर आप 20 राज्यों में आपकी एक सरकार डिस्टेबलाइज होते तभी समझ में आता है, आपने वो भी डिस्टेबलाइज कर दिया। अगर इसी तरह पार्टी चलती रही तो 2024 में शायद कांग्रेस एक राज्य में भी ना रहे जी, और वो ऐतिहासिक इलेक्शन होगा कि जब कांग्रेस एक राज्य में भी नहीं है और मुकाबला बीजेपी के साथ हो रहा है जी। 2024 की बात तो अभी बहुत दूर लग रही है, कांग्रेस अभी कितना बच रही है। रामलाल शर्मा साहब, दो सवाल हुए। आशिफ साहब ने कहा कि आपने जो उनको राजस्थानी थाली खिलाई उससे सारी गड़बड़ हो गई सचिन पायलट साहब की, ये तो हो गई बात कि हवन करने से हाथ जल रहे हैं। और दूसरा, डैनियल साहब कह रहे हैं कि आपका जो सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है ऑपरेशन लोटस जिसे कहते हैं, मैं तो समझता नहीं क्या होता है ऑपरेशन लोटस, लेकिन वो फेल हो गया राजस्थान में। दोनों में से कौन सी बात सही है? देखिए, ना तो हमने कोई थाली खिलाई और ना हमारा ऐसा कोई ऑपरेशन था, लेकिन मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस के अंदरूनी कलह का परिणाम है अस्थिरता, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास नहीं है। अब अंदरूनी कलह इनके वर्चस्व की लड़ाई है, या जो हम ये माने कि जिसको जो चीज मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है, तो लालसा इनकी है, स्वार्थ इनका है। तो आपस के अंदर अभी भी ये वर्ष संघर्ष शांत जरूर दिख रहा है, लेकिन ये और चलेगा आगे जी। क्योंकि जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग 2020 के अंदर एक दूसरे नेताओं के ऊपर किया गया, मुझे लगता है उसकी कटुता अभी समाप्त होने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है। और अब दूसरी बात मैं कहूंगा कि कमजोरी जो है, आलाकमान कांग्रेस का कमजोर हो चुका है, उसकी बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। कहने के लिए, भाषण देने के लिए कितने गए, अभी शांति धारीवाल जी की प्रेस थी, वो कह रहे हैं कि आलाकमान का फैसला हमने टाला ही नहीं, उसके आदेशों की पालना हमने हमेशा की है, आगे भी करेंगे। तो आलाकमान के भेजे हुए पर्यवेक्षक थे, पर्यवेक्षक भी उनकी राय लेने के लिए आए थे, पर्यवेक्षक इंतजार करके सीएमआर के अंदर चले गए, लेकिन वहां कोई विधायक उनसे मिलने के लिए नहीं आया, मात्र 15-20 विधायकों के अलावा। तो अब आलाकमान कमजोर हो चुका है, उसकी बात में कोई दम नहीं है। और अब रीजनल जो पार्टियां है या रीजनल लीडर जिनको हम कह सकते हैं, वो ज्यादा पावरफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रामलाल जी, मुझे एक बात समझिए, आपकी बात सारी बात को मैं सही मानता हूँ, कांग्रेस में ऐसा ही हुआ होगा, स्वार्थी नेता ये जो है वो सब छोड़, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि आप राजस्थान में सरकार बना क्यों नहीं रहे। देखो क्या हुआ, अरुणाचल हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, गोवा हुआ, फिर महाराष्ट्र हुआ, सब जगह तोड़ तोड़ के सरकार बना ली पार्टी ने। तो अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रामलाल जी जैसे मजबूत लीडर के होते हुए भी राजस्थान में जहां पर टूटने वाली पड़ी हुई है कांग्रेस जैसे आप कह रहे हो, वहां सरकार नहीं बना रहे, क्या वजह है इतना, क्या नाराजगी सरकार बनाने से आपको? एक साल का हम इंतजार करेंगे, एक साल तेज बची है चुनावों के अंदर। और हम पिछली बार जब 2013 में जब आए थे, देखिए कांग्रेस का इतिहास रहा है, जब 1998 के चुनाव हुए तो 156 सीटें राजस्थान के अंदर आई। सर इससे बहुत सारे लोगों को लगेगा कि राजस्थान में बीजेपी लीडरशिप है ना मजबूत नहीं है, कि वो तोड़ ही नहीं पाई कांग्रेस को, बताइए। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जब 1998 में कांग्रेस आई थी 156 सीटें लेकर आई थी, लेकिन 2003 में गई थी तो सिर्फ 56 रह गई थी, 2008 के अंदर सरकार आई कांग्रेस की, 2013 में गई तो मात्र 21 सीटें रह गई थी। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस की सिर्फ 11 सीटें आएगी, तो हमें डर किस बात का है? सर जब आज ही बना सकते हैं आप, सर मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जब आज ही आप बना सकते हो सरकार, तो एक साल क्यों इंतजार करना? जब 4 साल हमने इंतजार कर लिया तो एक साल और इंतजार कर लेंगे, ठीक है, एक साल बाद में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी हमारी, ठीक है। डैनियल कुछ जोड़ना चाहते हैं जी? विजय जी मैं बताता हूँ ये क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि महारानी नहीं चाहती कि पायलट बीजेपी में आए जी, इसीलिए ये सरकार नहीं बना सकते। अरे अब आप तो बीजेपी को ही तोड़ने, बीजेपी में ही डिवाइड करने लगे, रामलाल जी इस बात को मानेंगे नहीं, वसुंधरा जी उनके नेता हैं। आशिफ साहब जो बात हो रही है, डैनियल साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि पूरी एक्सरसाइज ये जो हुई है उसमें दोनों नुकसान इस, हो गए। इस राजस्थान में जी, राजस्थान में सिर्फ दो व्यक्ति मैटर करते हैं, सरकार किसी की भी बने जी, बीजेपी में बने या कांग्रेस की बने, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे महारानी
जी महारानी, चलिए आशिफ साहब, डैनियल साहब ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि ये जो पूरी एक्सरसाइज हुई राजस्थान की और राष्ट्रीय अध्यक्ष की, इसमें दो बड़े नुकसान कांग्रेस के हो गए जिसका फायदा होना था। एक था भारत जोड़ो यात्रा, वो कहीं गायब हो गई है, मैं उसको फेल कह नहीं कह रहा लेकिन गायब है इस समय, नहीं खबर में है। दूसरी बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इतना बड़ा तमाशा किया गया था कि लोकतांत्रिक पार्टी है, ये सब है, वो सब भी क्या बोलते हैं, जो हो गया रायता फैल गया। क्या आपको लग रहा है कि इससे क्या फायदा होगा कांग्रेस को? और आपने बात कही कि आला कमान के लिए एक तरह से चैलेंज हो गया ये आज तय करना, बिल्कुल, तो क्या आला कमान इस चैलेंज को स्वीकार कर रहा है क्या? एक बड़ी जी, एक बड़ी जानकारी दे दूं विजय जी आपको कि एक अभी डेवलपमेंट हुआ है जी, कि जेपी नड्डा जी को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है जी बीजेपी का। हाँ, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बात कर रहे, कांग्रेस पार्टी उन्होंने 2024 तक के लिए उनको बना दिया के बाद जी जी। तो साफ तौर पे है कि कांग्रेस में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी जो हालात है वो हालात ऐसे है कि अशोक गहलोत की जितनी भी सारी चीजें, कहते हैं कि जब ज्यादा आप तेज बनते हैं तो आपको तीन जगह मिट्टी लग जाती है। अशोक गहलोत जो आज से अभी से 72 घंटे पहले तक जो उनका स्ट्रक्चर था कांग्रेस पार्टी में, और जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि अशोक गहलोत का रुतबा बहुत बढ़ने वाला है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तमाम लोग चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है, कांग्रेस पार्टी का आला कमान चाहता है, कहीं ना कहीं से ये बात अब साफ हो रही है कि दो चीजें उनको चाहिए थी, दो चीजों में से एक चीजों पर वो तैयार भी होने को थे, लेकिन वो चाहते ये थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मैं बन जाऊं और मैं फिर इस बात को नोटिफाइड करूं कि हाँ किसको अध्यक्ष बनना है, उस किसको मुख्यमंत्री बनना है, उसके बाद मुझे हटाया जाए। दूसरी तरफ एक बात और मैं बताऊं कि कहीं ना कहीं से इस बार भी कांग्रेस पार्टी और आला कमान से एक गलती जरूर हुई, उन्होंने महासचिव चुनने में इस बार फिर से गलती की है। क्योंकि आप विजय जी, आप बहुत बारीकी से सारी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, देखते आए हैं, लंबा अनुभव रहा है आपको, आप जरा बताइए कि क्या कभी ऐसा हुआ है? ये ठीक पंजाब दोहराई जा रही है, पंजाब की जिस तरह से कहानियां थी उसी तरीके से यहां भी दोहराया जा रहा है कि अजय माकन जो मीटिंग अंदर करते हैं उस मीटिंग का सारा संक्षेप आप मीडिया में आके बताते हैं, सारी चीजें आप मीडिया को आके बताते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं से आप एक बात तो साफ मानते हैं कि आप मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं है। क्योंकि एक बात जरा सोचिए कि ये तमाम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा की जिम्मेदारी सबकी है, ठीक है, नहीं, राहुल गांधी सरकार यात्रा कर रहे हैं लेकिन कहीं भी उनको नहीं पता होता है, लेकिन जो लोग की जिम्मेदारियां तय की गई हैं वो सभी लोग कांग्रेस को डैमेज करना चाहते हैं। आशीष साहब, मैं इसमें थोड़ा सा समझना चाहता हूं, जो आपने कहा अजय माकन का जिक्र किया, अजय माकन साहब को अभी हम सुन भी रहे थे, उसे हम ये कहें कि मीटिंग की खबर बाहर दे रहे हैं या उसे मैं मैसेजिंग समझूं कि वो मैसेज देना चाह रहे हैं जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए, पहली बात। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण सवाल मैं ये समझना चाहता हूं कि कोई जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा हो और उस समय भी वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहता हो, इसका मतलब वो समझता है कि या तो वो कठपुतली अध्यक्ष बनेगा या पार्टी का अध्यक्ष बहुत मजबूत चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो अभी जैसे आपने नड्डा साहब का जिक्र किया तो वो तो मंत्री पद छोड़कर यहाँ आए हैं, तो पार्टी का अध्यक्ष बड़ा होता है या मुख्यमंत्री, इसका मतलब वो समझते हैं अशोक गहलोत बन भी जाऊंगा तब भी मेरे पावर मेरे पास नहीं होगी, कहीं और होगी। देखिए ये तो सबसे बड़ी चीज़ है, इसीलिए ये तमाम कांग्रेस में जो ये भी बार बार ये कहा जा रहा है, अभी आप सोचिए कि इंटरेस्टेड ये है विजय जी कि ये अशोक गहलोत भी उसी राज्य से आते हैं जिस राज्य ने सबसे पहले रिजोल्यूशन पास कराया था राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए, ये उसके बाद छत्तीसगढ़ से हुआ, दिल्ली से हुआ, तमाम राज्यों से ये रिजोल्यूशन पास कराया जाता है कि ये राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। अब ये सोचिए ये लोग खुद ही हाथ से पद हरकत कर रहे हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि बीजेपी इनके ऊपर सवाल खड़ी कर रही है, बीजेपी इनके पीछे है। आप सोचिए कि आप खुद भी इस बात को समझिए कि किस तरीके से अशोक गहलोत ने ही इस पूरे तमाम घटनाक्रम को एकदम हल्के में ले लिया और इसको इस तरीके से जाहिर करा दिया कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मुख्यमंत्री का पद है। मतलब ये कि आप अध्यक्ष बन भी जाते हैं तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप मुख्यमंत्री हैं तो कम से कम दूसरे आदमी को आप मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहेंगे जो काम आपने आज से एक साल पहले किया था, खासतौर पर सचिन पायलट की बात करें जी। अब आप सोचिए धारीवाल जी का अभी जो बयान आता है आधे घंटे पहले, अब वो कहते हैं कि वही होगा जो मंजूर है सोनिया गांधी होगा, तो ये तो मतलब ये हो गया कि आपने सारी चीजें कर ली और उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि नहीं अब तो जो होना है वो सोनिया गांधी तय करेंगी। सोनिया गांधी इस बात को लेकर बेहद आहत है कि जिस पर सबसे ज्यादा उम्मीद थी उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा घात किया जी। रामलाल जी दो बातें कर दी आसिफ साहब ने, अभी तो खबर दी कि नड्डा साहब को एक्सटेंशन मिल गया है, वो अध्यक्ष बन गए। अब चुनाव नहीं हुआ तो क्या हुआ, अध्यक्ष आप बदलते रहते हैं ना, ये समझते नहीं आसिफ साहब इस बात को। दूसरी बात, डैनियल साहब ने कहा कि वसुंधरा जी जो हैं वो अशोक गहलोत साहब के साथ हैं इसलिए नहीं हो पा रहा, ऐसा है क्या? मुझे तो ऐसा लगा नहीं था।
देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हमारी वरिष्ठ नेता है, दो बार मुख्यमंत्री रही है, वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और इस तरीके की राजनीति में की चर्चाएं जो कर रहे हैं वो अनुचित है, गलत है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक संविधान है, भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है, जिसका केडर है उस केडर के अनुसार ही उसके सारे निर्णय होते हैं। हमारा एक संसदीय बोर्ड है, संसदीय बोर्ड निर्णय करता है, हमारे प्रदेश की इकाई बनी हुई है, वहां की कोर ग्रुप बनी हुई है, वहां की चुनाव संचालन समिति बनती है, सारी चीजें वही तय करके फिर आगे बढ़ती है। ये सब ठीक है, लेकिन उनसे पूछते नहीं है, अलग बात। अगला आप बता सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? कोई नहीं कह सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई ना कोई कार्यकर्ता होगा जो साधारण परिवार से जन्म लेके आया होगा। अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की तरह नहीं है, परिवारवाद की तरह, पहले राहुल गांधी जी, फिर सोनिया गांधी जी, फिर राहुल गांधी जी, अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि नहीं पूरे देश के अंदर कांग्रेस सिमट गई, अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के भी क्या करूंगा। इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है। हमारा कार्यकर्ता जो भी होगा वही अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, लेकिन वसुंधरा जी नेता है कि नहीं है ये डैनियल साहब को थोड़ा सा क्लियर कीजिए, अशोक जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता है, भारतीय जनता पार्टी की नेता रहेगी, दो बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है जी। फ्रांसिस साहब, अब इस पूरे जो घटनाक्रम चला, इसका पटाक्षेप क्या होगा, कंक्लूड कैसे होगा, ये क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में क्या नया टर्न आएगा, और क्या आपको लगता है, जैसे एक कहावत होती है कि चौबे जी छब्बे जी बनने चले थे, दुबे जी रह गए, तो अशोक गहलोत साहब के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी भी रहेगी कि नहीं रहेगी, और दूसरी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या नया नाम आएगा, कौन सा नया नाम आ सकता है? दो तीन बातें हैं, एक तो कांग्रेस को ढंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने से रहा जी, दूसरी बात है कांग्रेस ने राजस्थान को डिस्टेबलाइज कर दिया, अभी अशोक गहलोत रहते हैं तो वो एंटी कांग्रेस हाई कमांड का सिंबल बनके राजस्थान में रहेंगे, अगर उनको निकाल दिया जाता है तो पायलट का बनना मुश्किल है, क्योंकि पायलट को विधायक दल बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। लेकिन पूरे देश में जहां जहां लोग देख रहे हैं इसको, एक ही बात देख रहे हैं कि कांग्रेस के पास राजनीतिक सूझबूझ नहीं रही, वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, वो समस्याओं का हल नहीं ढूंढ सकते, वो अपने आप आपस में ही लड़ते रहते हैं, और इसीलिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी। कांग्रेस के पास कितने तो मौके थे कि लोगों के सामने अपनी राजनीतिक एकता दिखाए, सूझबूझ दिखाए, राहुल अपने पथ पर है, सोनिया अपने पथ पर है, गहलोत अपने पथ पर है, सचिन अपने पथ पर है, और ऐसी कांग्रेस चलती रही तो दोस्त अभी दो राज्यों में सिमट के रह गई है, अभी और खत्म होना बाकी है। चलिए, आपने रामलाल जी को तो खुश कर दिया, लेकिन मुझे समझाइए जितनी बात बताई, क्या इसको मैं कांग्रेस की लीडरशिप का मतलब सीधे सीधे सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जिसे भी लीडर समझते हैं हम लोग, उनका फेलियर साबित हुआ है, इसको ऐसे कहा जा सकता है स्पेसिफिक? नहीं, ये 100% कांग्रेस लीडरशिप का फेलियर है, क्योंकि उनका कोई कंट्रोल नहीं है। देखिए अभी आप राजस्थान का चुनाव देखिए, क्या राजस्थान राहुल गांधी की वजह से जीता गया था जी? क्या छत्तीसगढ़ राहुल गांधी की वजह से जीता गया था? जब वहां के चुने हुए कर्ता व नेताओं को आप बोलेंगे आप वहां से हटके यहां आए, वहां से हटके वहां जाएंगे, वो क्या बोलेंगे? जब तक आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि बीजेपी में बहुत डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन का कोई सवाल नहीं होता, हमने बीजेपी देखी है जी। जब अडवाणी जी के मुंह पर उमा भारती जी बोल के हॉल में से चली गई जी। जब इंसान पावर में रहता है, जब वो चुनाव जितवा के देता है, कार्यकर्ताओं को एमएलए एमपी मंत्री बनाता है, तब पावर के वजह से आदर आता है, आदर की वजह से डिसिप्लिन आता है। आज कोई भी आदमी नहीं बोल सकता कि हम राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी में जीते हैं जी। टिकट मिल सकता है आपको, जीतना नहीं हो सकता जी, क्योंकि वो खुद अपना इलेक्शन नहीं जीत सकते। ठीक है आसिफ साहब, आपको तो भी लगता है कि डेमोक्रेसी की एक मर्यादा होती है, एक मर्यादा होती है, और ये हाई कमांड कल्चर खत्म होना चाहिए जी। आसिफ साहब, बहुत छोटा सा जवाब, क्या आपको भी लगता है कि ये कांग्रेस की लीडरशिप का फेलियर है सीधे तौर पर? देखिए विजय जी, साफ तौर पे है कि आप भी सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, और देखिए ये सीधे तौर पे तो नहीं कह सकता, क्योंकि एक बात समझिए,
वक्त अगर अच्छा होता है तो सब कुछ आपके मन मुताबिक होता है, अगर वक्त आपका बुरा होता है तो आपके विपरीत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए इस लीडरशिप पे सवाल नहीं करना चाहता हूँ या मैं नहीं कहना चाहता हूँ, तो क्योंकि यही सोनिया गांधी है जिसने कांग्रेस को डूबती नैया को पार लगाया था और 10 साल तक कांग्रेस को अनडाउटली 10 साल तक सरकार में रखा था। लेकिन आज राहुल गांधी या फिर उनके बाद के जो लोग जो हैं वो पार्टी के जो लोग हैं वो लोग उस तरीके से संगठित नहीं हो पा रहे हैं, उस तरीके से चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। और सोनिया गांधी की तबीयत का एक बड़ा हवाला दिया जा रहा है और सोनिया गांधी की तबीयत का एक बड़ा जिम्मेदारी माना जाएगा, वरना यही सोनिया गांधी, क्योंकि आप देखिए अगर ताकत नहीं होती तो लालू यादव नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता सोनिया गांधी के दरबार में दस्तक नहीं दे रहे होते। जी रामलाल जी, मुझे बताया गया कि आपके पास सचिन पायलट ग्रुप का फोन आ रहा है, आपको कुछ मैनेज भी करना है, लेकिन मैं छोटा सा एक सवाल, जमाना और था जी, कुछ होगा पायलट साहब की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेंगे क्या आपकी मदद से, छोटा सा जवाब। देखिए जो कुछ होगा वो कांग्रेस के नेताओं की वजह से, कांग्रेस के विधायकों की वजह से होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान नहीं रहेगा। और रही बात ये, हमें सरकार बनाने की जल्दी नहीं है, हमें तो 2023 का इंतजार है, 2023 के अंदर राजस्थान में कांग्रेस मुक्त करने का काम हम करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको और बहुत शुभकामनाएं आपको। फ्रांसिस साहब आपका भी बहुत धन्यवाद, आशीष साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या राजस्थान में गुटबाजी से कांग्रेस को नुकसान होगा, इस पर 70% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट दिया है, वहीं 30% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी यानी विजय भी, पार्टी पद और प्यार मगर कुर्सी के लिए तकरार, हर कोई चोखा खेल खेलना चाहता है जिसमें चित भी उसकी और पट भी उसकी, मुख्यमंत्री का पद छोड़ा और अध्यक्ष पद नहीं मिला तो गहलोत इन्हीं सवालों से उत्प्रोत हो रहे हैं। इधर सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद की उड़ान भरने के लिए कॉकपिट पर बैठ तो गए, लेकिन प्लेन की चाबी ATS यानी पार्टी आलाकमान के पास है, मीटिंग्स का दौर जारी है, कंफ्यूजन बहुत भारी है, 2 महत्वपूर्ण पद और 2 प्रबल दावेदार दोनों ही गेंद की माला अपने गले में डालने को बेकरार हैं। वैसे गले की बात हुई है तो ये भी बता दें कि कभी कभी कुछ चीजें गले की हड्डी बन जाती है। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो, आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।